नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आखिर रूस नाटो में क्यों शामिल होना चाहता था? आखिर क्यों नाटो के अगले टारगेट पर भारत होगा? जर्मनी, जापान, रूस और चीन को बर्बाद करने के बाद आखिर क्यों अमेरिका के अगले निशाने पर भारत हो सकता है? आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि नाटो और रूस एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 70 साल पहले रूस, जो कि यूएसएसआर हुआ करता था, उसने नाटो में शामिल होने की पूरी कोशिश की थी। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप दो भाग में बट गया था। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में सभी वेस्टर्न कंट्री शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के नेतृत्व में ईस्टर्न कंट्री शामिल थे। वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर यूरोप को रीबिल्ड करना चाहते थे और वहां अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और इकोनॉमी सेटअप करना चाहते थे, जबकि वहीं यूएसएसआर अपने कंट्रोल्ड वाले यूरोपियन इलाके में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिम के 12 देश अपने आप को सोवियत अटैक से बचाने के लिए एक म्यूचुअल डिफेंस अलायंस बनाते हैं, जिसका नाम नाटो है। इसे आप एक पावरफुल टीम की तरह मान लीजिए, जो एक दूसरे को किसी भी ट्रबल में बचाने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे। हालांकि मेरे अनुसार नाटो का मेन मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अमेरिका को चैलेंज करने वाला देश खड़ा ना हो पाए। अमेरिका ने सबसे पहले जर्मनी और जापान को खत्म किया, उसके बाद सोवियत को तोड़कर यूएसएसआर को कमजोर किया। अब यूक्रेन युद्ध में रूस की लंका लगा दी है और अगला नंबर चीन का है। अगर भारत महाशक्ति बनता है, जो निश्चित तौर पर बनेगा, तो फिर नाटो के टारगेट पे चीन के बाद अगला नंबर भारत का ही होगा दोस्तों। इसलिए भारत में कई लोग भारत के लिए चीन से बड़ा खतरा अमेरिका को मानते हैं। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि भविष्य में चीन को एनकाउंटर करने के लिए भारत नाटो ज्वाइन कर सकता है। हालांकि नाटो कंट्रीज और भारत के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा है और चीन के साथ संघर्ष में वहां से मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। भारत वैसे भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर के जर्मनी को हराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे एलाइड फोर्सेस ने पूरी ताकत लगा दी थी। बाद में पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन दोनों ने मिलकर जर्मनी के दो टुकड़े भी किए थे। वेस्टर्न जर्मनी पर पश्चिमी देशों का इन्फ्लुएंस था, जबकि पूर्वी जर्मनी पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था। अगर जर्मनी, जापान और इटली वर्ल्ड वॉर टू ना हारे होते, तो आज ये तीनों दुनिया के सबसे ताकतवर देश होते। अमेरिका के अनुसार नाटो का एक हिडन लक्ष्य ये भी था कि हिटलर के खात्मे के बाद जर्मनी एक बार फिर से सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में पावरफुल कंट्री ना बन जाए। लेकिन पूरी दुनिया जानते हैं कि अमेरिका द्वारा गठित नाटो का मुख्य लक्ष्य सोवियत यूनियन एक्सपेंशन को रोकना था, जबकि वहीं सोवियत यूनियन को ये डर सता रहा था कि कहीं पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में जर्मनी फिर से पावरफुल ना बन जाए और उसके लिए खतरा ना पैदा कर दे। साथ ही कोल्ड वॉर खत्म करने के लिए सोवियत यूनियन ने नाटो ज्वाइन करने की पेशकश की थी। सोवियत यूनियन का मानना था कि अगर नाटो का गठन जर्मन एग्रेशन के खिलाफ हुआ है, तो फिर इसमें यूएसएसआर को भी शामिल कर लेना चाहिए। 31 मार्च 1954 को सोवियत फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव ने सभी को ये कहते हुए चौंका दिया कि यूएसएसआर नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो ज्वाइन करने को लेकर सोवियत का मानना था कि अगर वे नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे और जर्मनी को भी पावरफुल बनने से रोका जा सकता है। 1952 में स्टालिन ने भी नाटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने सोवियत यूनियन को नाटो में जगह नहीं दी थी, ये सोचते हुए कि सोवियत में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो पश्चिमी देशों के डेमोक्रेटिक वैल्यूज और गोल्स से मेल नहीं खाता। 7 मई 1954 को अमेरिका ने सोवियत यूनियन को नाटो ज्वाइन करने से मना करते हुए कहा कि यूएसएसआर का आइडिया नाटो के प्रिंसिपल से मेल नहीं खाता है। अप्रैल 1949 में नाटो का गठन इसीलिए किया गया था ताकि सोवियत यूनियन को यूरोप से बाहर रखा जा सके, अमेरिका की यूरोप में एंट्री मिले और जर्मनी फिर से कभी पावरफुल खतरा ना बन पाए। वहीं पश्चिमी देशों का ये भी मानना था कि नाटो का गठन ही सोवियत यूनियन के खिलाफ किया गया है, तो फिर सोवियत यूनियन को इसमें जगह क्यों दी जाए। जब पश्चिमी देशों ने यूएसएसआर को नाटो से रिजेक्ट कर दिया, तब अंत में सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर वॉर्सो पैक्ट नाम का अलायंस बनाया, जो एक तरह से नाटो के खिलाफ तैयार किया गया म्यूचुअल डिफेंस फोर्स था। अगर रशिया नाटो ज्वाइन कर लेता, तो फिर यूरोप में हमेशा हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाता, लेकिन वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होता। अमेरिका ने जानबूझकर यूरोप में टेंशन बनाकर रखा ताकि दुनिया को कमजोर रखा जा सके
और यूएस लगातार मजबूत होता रहे। यूएसएसआर विघटन के बाद नाटो का कोई बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं रह गया था। पुतिन के नेतृत्व में रूस यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर जबरदस्त तरक्की कर रहा था, जो भविष्य में यूरोप के अंदर अमेरिकी हेजेमोनी को चैलेंज कर सकता था। इसी कारण जानबूझकर यूक्रेन संकट पैदा किया गया, ताकि रूस के बढ़ते इन्फ्लुएंस को यूरोप में रोका जा सके। यूक्रेन वॉर के कारण आज फिर से नाटो एक्टिव हो गया है और इसमें जुड़ने वाले देशों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। साल 2024 में स्वीडन को भी नाटो में शामिल किया गया है। ये साफ तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी विक्ट्री है। हालांकि पुतिन ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि वो नाटो के खिलाफ कभी युद्ध नहीं छेड़ेंगे। हालांकि कई बार रूस के द्वारा नाटो कंट्री पोलैंड को इनडायरेक्ट तरीके से टारगेट किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर आप अपना विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।